Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS of standard 5th, page number 5. Which are the public properties? Okay, in previous session we discussed about the meaning of public property. Okay, so here we have to give the example of the public property. Okay, in that we can write like this way: lake near village. Okay, hamare village mein jo aaspaas ke lake hote hain, okay, wo public property hoti hai. Then after public park, okay, public park bhi ho sakte hain, religious places bhi ho sakte hain, jaise ki temple, mosque. Temple yani mandir, aur mosque that means masjid. Government schools hai, wo bhi public property hai. Public properties in your surrounding, okay, aapke aas paas mein jo public property hai wo aapko batana hai, is like that bus station, okay. Then after public library, public park, community hall constructed by the gram panchayat, okay. Community hall yani हमें छोटा सा अगर कुछ फंक्शन करना है तो उतना स्पेस होता है, हॉल होता है, कंस्ट्रक्टेड दैट मींस उसको बनाना, जो ग्राम पंचायत ने बनाया हो, ओके. तो ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है, ओके. ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखना है, ओके. और ये सब क्वेश्चन भी आपको ठीक तरीके से समझ के लिखना है, ये एग्जाम में भी आ सकते हैं. इट इज ट्रू. हैंड वॉशिंग डे 15th अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज हैंड वॉशिंग डे. डर्टी हैंड्स कैन कॉज मैनी डिजीज. ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट नाउ होल वर्ल्ड इज फेसिंग द वायरस. ओके कोरोना वायरस. ओके आज पूरी दुनिया है वो कोरोना वायरस से लड़ रही है, ओके. उसके अगेंस्ट फाइट दे रही है. उस टाइम पे हैंड वॉशिंग डे है, ओके. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि ये जो अभी वायरस है, ओके, वो हमारे अगर हाथ उस प्लेस पे, ओके, हम टच करते हैं जहाँ पे ये वायरस है, एंड देन आफ्टर ये हाथ हम अपने फेस पे, नोज पे हम टच करते, तो इसका हमें इन्फेक्शन, ये कोरोना वायरस है वो हमें भी लग सकता है. तो हमें थोड़े थोड़े टाइम पे अपने हैंड वॉश करने चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए ताकि हम उससे प्रोटेक्ट हो पाए, ओके. तो हियर यू हैव टू गिवन द स्टेप्स फॉर हाउ टू डू द हैंड वॉश, ओके. हमें हैंड वॉश किस तरह से करना चाहिए उसके यहाँ पे हमें पिक्चर दिए हुए हैं, ओके. तो हमें ठीक तरीके से, ओके, अराउंड 20 सेकंड तक, ओके, हमें हाथ है वो ठीक से साफ करने चाहिए. तो जो हमारे हैंड्स में अगर जम्स भी है तो वहाँ पे वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं. देन नेक्स्ट थिंग ऑब्जर्वेशन. ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू गिवन द टू पिक्चर. दिस वन इज फर्स्ट. ओके हियर this woman swipes the garbage and throw the garbage in dustbin. In second picture you can see that here the woman is throw the garbage in open area, and due to that the many people get ill. Okay, so these two picture, okay, you have to see carefully because here we have questions regarding these pictures. First one, what is good in both the picture? Okay, yahan pe pictures mein good acha kya hai, so we can write that in first picture the woman swipes the street. Okay, jo street hai, jo uska house ka part hai, usko swipe kar rahi hai, yani jhadu laga rahi hai, and throw the garbage in dustbin, and jo गार्बेज है वो डस्टबिन में ही डालती है. वट इज रॉन्ग इन बोथ द पिक्चर्स. रॉन्ग क्या है, सो वी कैन से दैट इन द सेकेंड पिक्चर
द गार्बेज इज थ्रोन इन द ओपन, ओके, ओपन प्लेस पे वो गार्बेज डालते हैं. ड्यू टू विच पीपल गेट इल, ओके, उसकी वजह से क्या होता है, लोग है वो बीमार पड़ते हैं. वेयर डू डिस्पोज ऑफ द रबीस ऑफ योर हाउस, ओके, डिस्पोज यानी निकालना, एंड रबीस दैट मीन्स लाइक कूड़ा, कचरा जिसे हम कहते हैं. सो वी थ्रो द वेस्ट ऑफ अवर हाउस इन द डस्टबिन, जो भी हमारे घर में रबीस वेस्टिंग है, जो कूड़ा है, ओके, वो हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए. वॉट इज द अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्ट्रीट रबीस, ओके, जो हमारे स्ट्रीट में डिस्पोजल जो थिंग्स है वो स्ट्रीट में, उसको वो रबीस को हम कहाँ पे डालते, उसका क्या अरेंजमेंट करते हैं. द म्युनिसिपालिटी अरेंज द ट्रैक्टर फॉर द डंपिंग द रबीस एक्यूमुलेटेड इन द विलेज, ओके. म्युनिसिपालिटी क्या करती है, आपने भी देखा होगा आपकी सोसाइटी में भी ट्रैक्टर्स आते हैं, ओके, और जो हमारा सोसाइटी का, ओके, जो भी कूड़ा है, डस्टबिन है, कूड़ादान, ओके, वहाँ पे सब लोग वहाँ पे गार्बेज फेंकते हैं, वो सब गार्बेज है वो ट्रैक्टर में जो म्युनिसिपालिटी भेजती है उसमें वो ले जाते हैं. एक्यूमुलेटेड का मतलब बताया है जमा हुआ जो रबीस कूड़ा है वो ये लोग ट्रैक्टर में ले जाते हैं. वेयर डू यू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस, हमारे घर का जो डर्टी वाटर है वो हम कहाँ पे रिलीज करते हैं, दैट मीन्स कहाँ पे डालते हैं. वी रिलीज द डर्टी वाटर ऑफ अवर हाउस इन द सीवेज एंड गटर, ओके, हमारा जो घर का डर्टी वाटर होता है वो हम कहाँ पे डालते हैं, सीवेज और गटर में, जो उसकी उसके लिए ही वो थिंग्स जो भी गवर्नमेंट है वो हमें प्रोवाइड करती है, एंड उसके थ्रू ही हमें हमारे घर का जो डर्टी वाटर है वहीं पे डालना चाहिए.